और जानेंगे छत्तीसगढ़ आज के प्रमुख समाचार। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के ताज़ा बड़ी खबरें। जी हाँ, छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी अपडेट। तो पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो जरूर से देखिएगा। और गुजारिश से की है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से दबा दीजिए। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फटाफट आगे बढ़ते हैं और आज की पहली बड़ी खबर हम आपको सुनाते हैं। जी हां, सीएम भूपेश बघेल ने कहा, ऑक्सीजन सुविधा बेड बढ़ाने और कोरोना जांच में तेजी लाने की है जरूरत। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोविड अस्पतालों और कोरोना केयर सेंटरों में ऑक्सीजन सुविधा वाले बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के साथ ही कोरोना के संदिग्ध मरीजों की जांच में तेजी लाने और जांच का दायरा बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कोविड अस्पतालों और आइसोलेशन सेंटर से ज़्यादा डॉक्टरों और नर्सों की मौजूदगी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, जिससे उनकी बेहतर तरीके से देखभाल हो सके। बैठक में मुख्यमंत्री बघेल ने डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ का अस्पताल में वार्डों में नियमित राउंडअप के साथ वहाँ भर्ती मरीजों के सतत संवाद बनाए रखने को कहा है। के लिए उन्होंने मेडिकल कॉलेज के पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों और नर्सिंग कॉलेजों के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की सेवाएं लेने का भी सुझाव दिया है। तो चलिए दोस्तों, खबरों का सिलसिला को बरकरार रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश, जी हां, सिफारिश व दबाव के बिना कोविड मरीजों को भर्ती करें। जी हां दोस्तों, कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अहम बात कही है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को अपने निवास कार्यालय में हुई उच्च स्तरीय बैठक में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और कलेक्टरों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार की सिफारिश और दबाव के आए बिना डॉक्टर की सलाह एवं मरीज की स्थिति के अनुसार उन्हें बेहतर इलाज मुहैया कराया जाए, अस्पताल में भर्ती करें। सीएम के इस निर्देश से साफ है कि अस्पताल में सिफारिशों के आधार पर मरीजों को लिया जा रहा है, जिस पर अब सरकार ने ध्यान दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रायगढ़ से आ रही खबर। जी हाँ, बाढ़ का कहर, 1670 एकड़ में लगी फसल खराब। जी हाँ दोस्तों, तो महानदी के किनारे पुसर, सारंगढ़ और बरमकेला ब्लॉक में अब तक 1670 एकड़ में लगी धान की फसल बर्बाद हो गई है। जी हाँ दोस्तों, खबरों के अनुसार सूरजगढ़, चंगोरी, छिछुरिया और नंदीगांव पूरत समेत 20 से ज़्यादा गांव प्रभावित मिले हैं। गांव के किसानों ने बताया कि गांव के 70 से 80% कृषि भूमि पर लगी फसल बाढ़ से खराब हो गई है। जी हाँ, 5 दिन से ज़्यादा समय तक फसल पानी में डूबने से सड़कर काले पड़ने लगे हैं। जी हाँ, तो वहीं फसल नुकसान पर किसानों को मिलने वाला मुआवजा राशि भी एक तिहाई से कम है। एक किसान ने बताया कि प्रति एकड़ फसल लगाने से 8,000 रुपये से ज़्यादा खर्च हुए हैं, पर अब नुकसान के बाद प्रशासन उन्हें सिर्फ 2500 रुपये प्रति एकड़ अधिकतम मुआवजा दी जा रही है। दोस्तों, रायगढ़ से आ रही है खबर, बाढ़ का कहर से जहाँ पर 1670 एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो गई है। तो दोस्तों, अगर आप रायगढ़ से हमारा यह वीडियो देख रहे हैं तो अपना विचार नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर से कमेंट कीजिएगा। चलिए दोस्तों, खबरों का सिलसिला बरकरार रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, कोविड हॉस्पिटल केयर सेंटर विस्तार के लिए सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को लिखा पत्र। जी हाँ, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को पत्र लिखकर राज्य में कोविड हॉस्पिटल और कोविड सेंटर के संचालन के लिए 736 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराने, कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए आवश्यक सामान त्वरित आपूर्ति तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर में उपलब्ध 54 ICU बेड्स को बढ़ाकर 200 बेड्स करने का आग्रह किया है। सीएम ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को लिखे पत्र में प्रदेश के कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति की जानकारी देते हुए कोविड महामारी के समय में केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही तकनीकी सहायता एवं दिशा निर्देश हेतु धन्यवाद दिया है। तो चलिए दोस्तों, खबरें इस तरह से आ रही है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को पत्र लिखकर कोविड हॉस्पिटल और कोविड के सेंटरों के संचालन के लिए साथ ही साथ कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए आवश्यक सामानों की त्वरित आपूर्ति तथा एम्स रायपुर में उपलब्ध 54 ICU बेड को बढ़ाकर 200 बेड्स करने की आग्रह किए हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और छत्तीसगढ़ का मौसम का हालचाल भी हम आपको बता के चलते हैं। जी हां, मौसम विभाग का जारी अलर्ट, अगले 5 दिन के भीतर हो सकता है भारी बारिश। जी हां, थोड़ी राहत के बाद एक बार फिर मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि 5 दिनों के भीतर देश के कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार लगभग 5 दिनों के दौरान प्रायद्वीपीय भारत में भारी रूप से भारी गिरावट, गरज और बिजली के साथ व्यापक वर्षा होने की संभावना है। 12 सितंबर को तटीय आंध्र प्रदेश, यलनकोडन और गोवा और तटीय कर्नाटक के अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, विदर्भ एवं हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, तेलंगाना, तटीय आंध्र, तटीय कलकत्ता, केरल, सरायसील
रायलसीमा में अलग अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावनाएं जताई जा रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वहीं नीट परीक्षा के लिए प्रशासन ने की है निःशुल्क बस व्यवस्था। जी हां दोस्तों, तो NET परीक्षा के लिए प्रशासन ने की है निःशुल्क बस की व्यवस्था। सीतापुर ब्लॉक के नीट के छात्रों को पंजीयन के बाद आज जो है चार स्लीपर बसों द्वारा नीट एग्जाम के सेंटर के लिए रवाना किया गया है। नीट के इन अभ्यर्थियों को तहसीलदार और BO की उपस्थिति में रायपुर, बिलासपुर और भिलाई के लिए रवाना किया गया है। जी हां, छात्रों और परिजनों को मिलाकर कुल 92 लोगों को मास्क और सैनिटाइजर के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए चार बसों को रवाना किया गया है। बता दें कि रविवार 13 सितंबर को आयोजित होने वाली नीट की परीक्षा को अभ्यर्थी के परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने एवं वापस लाने के लिए निःशुल्क वाहन की व्यवस्था की गई है। तो चलिए दोस्तों, अंबिकापुर से खबर जो हम आप लोगों को बता रहे थे, जहां पर नीट परीक्षा के लिए प्रशासन की ओर से अभ्यर्थियों को निःशुल्क बस की सुविधा व्यवस्था की गई है। तो इसके लिए आप अपना विचार नीचे कमेंट पर जरूर से रखिएगा। तो वहीं दूसरी ओर गरियाबंद से आ रही है खबरें। जी हां, आंगनवाड़ी सहायिका निकली भर्ती, 25 तक कर सकते हैं आवेदन। जिले के एकीकृत बाल विकास परियोजना गरियाबंद अंतर्गत आंगनवाड़ी सहायिका के लिए एक रिक्त पद के लिए 25 सितंबर 2020 तक आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना गरियाबंद में पंजीकृत डाक या सीधे भी जमा कर सकती हैं। अधिक जानकारी हेतु कार्यालय नगर पालिका परिषद गरियाबंद एवं एकीकृत बाल विकास परियोजना गरियाबंद में संपर्क कर सकती हैं। तो चलिए गरियाबंद से खबर जो हमने आप लोगों को बताया, जहां पर आंगनवाड़ी सहायिका की एक पद के लिए निकली है भर्ती, 25 तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए खबरों को बरकरार रखते हैं और अगली बड़ी खबर हम आप लोगों को सुनाते हैं। जी हां दोस्तों, रविशंकर विश्वविद्यालय ने घोषित की फाइनल ईयर की परीक्षा तिथि। जानिए विस्तार से। महीने बाद पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। फाइनल ईयर और सेमेस्टर में पढ़ने वाले कॉलेजों को जो छात्रों को परीक्षाएं अब 25 सितंबर से शुरू होने जा रही है, इसके लिए विश्वविद्यालय की साइट पर टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है। जी हाँ, कोरोना के चलते इस बार की परीक्षा एग्जाम फॉर्म होम पद्धति से ली जा रही है, यानी छात्रों को घर से ही एग्जाम देना होगा। परीक्षाओं के लिए उत्तर पुस्तिकाएं छात्रों को अपने अपने परीक्षा केंद्र से 17 से 23 सितंबर के बीच लेनी होगी। छात्रों को सभी विषयों की परीक्षा के लिए एक ही दिन उत्तर पुस्तिकाएं लेनी होगी। घर से बाहर होने वाली परीक्षा आधे घंटे पहले छात्रों को ऑनलाइन प्रश्न पत्र भेजे जाएंगे। प्रश्न पत्र विश्वविद्यालय की साइट के अलावा ईमेल आईडी के जरिए छात्रों तक पहुँचेंगे। तय समय के उत्तर पुस्तिका पर उत्तर लिखकर छात्रों को एक घंटे बाद या परीक्षा खत्म होने के 2 घंटे के भीतर परीक्षा केंद्र पर अपनी उत्तर पुस्तिका को जमा करना होगा। जो छात्र कंटेनमेंट जोन में है या परीक्षा केंद्र से दूर हैं, ऐसी स्थिति में वह अपनी उत्तर पुस्तिका को ऑनलाइन या स्पीड पोस्ट के जरिए परीक्षा समाप्त होने के 2 घंटे के अंदर भेज सकेंगे। तो इस तरह से बड़ी खबर। जी हाँ, पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में जहाँ पर घोषित किया फाइनल ईयर परीक्षा की टाइम टेबल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के इस जिले में आज से 20 तक लॉकडाउन। जी हाँ, आ रही है खबर बेमेतरा से। बेमेतरा जिले में कोरोना के बढ़ते मरीजों के मद्देनजर जिला कलेक्टर ने फिर से एक सप्ताह के लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। जिले में आगामी 13 सितंबर से 20 सितंबर तक लॉकडाउन रहेगा। यहाँ कलेक्टर ने इस निर्देश के बाद आज यानी कि 13 सितंबर से 20 सितंबर तक नगरीय क्षेत्र के सभी व्यापारी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। बता दें कि बेमेतरा जिले में अब तक 600 से अधिक कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं, जिनमें ऐसे 173 एक्टिव केस हैं। वहीं जिले में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते यहाँ 30 कोरोना मरीज मिले हैं, जिसके बाद कलेक्टर ने लॉकडाउन का फैसला किए। तो चलिए आ रही है खबर बेमेतरा से। जी हाँ, जहाँ पर आज से 20 सितंबर तक रहेगा लॉकडाउन। तो वहीं दोस्तों, दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के और एक जिला भी लॉकडाउन। जी हाँ, बेमेतरा के बाद अब राजनांदगांव भी लॉकडाउन। यह राजनांदगांव जिला भी अभी 18 सितंबर तक रहेगा लॉकडाउन। जानिए विस्तार से। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए जनता और व्यापारियों की मांग पर प्रशासन ने लगाए लॉकडाउन के एक सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया। जी हाँ, 12 से 18 सितंबर तक के लिए लगाए गए लॉकडाउन में सब्जी, किराना, दूध और डेली नीड्स की सुबह 7 से 1 बजे तक के लिए छूट दी गई है। राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र के सप्ताह भर के लॉकडाउन के बाद भी कोरोना मरीजों की तादाद में कमी नहीं आने के बाद प्रशासन ने लॉकडाउन को एक बार फिर से 7 दिन के लिए बढ़ाने का फैसला लिया है। इस बार जरूरी सामान ही खरीदी बिक्री के लिए प्रशासन ने समय सीमा में थोड़ी सी राहत देने का ऐलान किया है। जी हाँ, वहीं इस लॉकडाउन के दरमियान नहीं खुलेंगे बाकी दुकानें। कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा जारी आदेश के अनुसार दूध खरीदी बिक्री के लिए सुबह 7 से 10, मौजूदा समय के दोपहर 1 बजे तक बढ़ाया गया है। तो दोस्तों, इस तरह से खबरें सामने निकल कर आ रही है। जी हाँ, राजनांदगांव लॉकडाउन जो है 18 सितंबर तक रहेगी। इस बीच कोई भी दुकान नहीं खुलेगी सिवाय जरूरतमंद की दुकानें। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से राजनांदगांव से आ रही है खबर, जहाँ पर 18 सितंबर तक रहेगा लॉकडाउन। सिर्फ जरूरी और आवश्यक सेवा ही चालू रहेगी, अन्यथा जो बाकी के जो दुकानें हुए हैं बंद ही रहेंगी। तो दोस्तों, अगर आप राजनांदगांव से हमारे वीडियो
देख रहे हैं तो अपना विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से अवगत कराइएगा, हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों आप देख रहे थे ईट छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल के माध्यम छत्तीसगढ़ प्रमुख बड़ी खबरें। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करना, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करना, और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से दबा के रखना। मिलती है अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।